सबसे पहली कॉलर हैं हमारे साथ सावरी देवी जी, उनसे बातचीत करते हैं। लखनऊ से हमें कॉल किया है, स्वागत है कार्यक्रम में आपका, सवाल पूछें आप। सावरी जी सवाल करें। हेलो सावरी जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, सवाल करें। जी हेलो जी, डॉक्टर हकीम साहब से बात हो रही है? जी जी आदाब, आप अपना सवाल करिए और टेलीविजन कम कर दीजिए आवाज। हाँ आवाज कम कर दीजिए डॉक्टर, यही है कि हम डोल चलने नहीं पाते हैं, और ब्लड प्रेशर और शुगर है जी, शुगर की समस्या है, चल नहीं पाती हैं, क्या करें, काफी परेशान हैं। आपको दर्द है क्या? जी घुटने जो है पैर पड़ता नहीं, लंगड़ा के चलते हैं। ठीक है ठीक है। और शुगर भी है? देखिए अब ज्यादातर लोगों को शुगर होने लगी और ये बड़ी खतरनाक बीमारी, देखने में तो कुछ नजर नहीं आता लेकिन अंदर से खोखला कर देती है। तो शुगर और ब्लड प्रेशर के लिए एक सिरका बहुत कामयाब माना जाता है जिसे हम कहते हैं जैतून का सिरका। जैतून का सिरका सुबह शाम पिया करिए, दो या तीन तीन चम्मच पानी में मिला के, तो शुगर और ब्लड प्रेशर आपके कंट्रोल रह सकते हैं और जीवन भर भी पी सकते हैं इसे। और अगर जोड़ों में दर्द है तो उसके लिए आप कैप्सूल टी केयर सुबह शाम एक एक कैप्सूल लिया करें और महीना दो महीना तीन महीना ज़रूर लें, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी एक और दर्शक हैं राजधानी दिल्ली से, दयावती जी हमें कॉल कर रही हैं, स्वागत है कार्यक्रम में, प्रश्न करें आप। नमस्कार जी। जी आदाब। जी सर मैं ये पूछ रही थी कि थायराइड की दवाई और ये गोंद मोरिंगा और ये गोंद सिया ये साथ में ले सकते हैं क्या? जी हाँ देखिए ले सकते हैं लेकिन अलग अलग लेना, यानी गौंसिया तो अलग आधा आधा ग्राम खा सकते हैं, इस दवाई में मत मिलाइए, और गौंद मोरिंगा और वो धनिया और आंवला और मेथी ये अलग अलग पीस कर इसका एक एक चम्मच सुबह शाम लेने से आपके दोनों रोग ठीक हो सकते हैं। जी एक और दर्शक हैं इलाहाबाद से हमें कॉल किया है आईपी सिंह साहब ने, बताइए क्या प्रश्न है आपका? प्रश्न तो है लेकिन आप लोग उठाते हैं हकीम साहब से बात होती नहीं, क्या बताएं? हकीम साहब सुन पा रहे हैं आपको, सवाल करें आप। फरमाइए मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। हाँ तो सुन लीजिए ना कि हम गोंद सिया आपके यहाँ से मंगाए थे तो उसको तो पानी के साथ खाने के लिए कहा है, तो मैं चाह रहा हूँ हो जाए तो शहद के साथ खाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, उसका टेस्ट बड़ा खराब है। जी ठीक है ठीक है। और कोई सवाल? बस यही एक सवाल है। अच्छा आप उसको अगर शुगर नहीं है तो शहद में मिलाकर भी ले सकते हैं, आधा ग्राम मिलाइए और उसे ले लीजिए, इससे ज्यादा मत लेना, और क्योंकि उसके बाद किसी चीज की जरूरत पड़ती है ना, पानी बेहतर है, दूध बेहतर है, जूस बेहतर है, जो आप चाहें ले सकते हैं, और शहद में मिलाकर भी लिया करें तो बहुत अच्छा है। आपने तो ये नया सजेशन मुझे दिया, और जो लोगों को कड़वा लगता है वाकई बहुत कड़वा है, मैंने अपने जीवन में इतनी कड़वी चीज़ नहीं देखी जितना ये गौंसिया होता है। सबसे कहता हूँ मैं कि ये ऐसी कड़वी चीज़ तो नीम भी कुछ नहीं इसके आगे, करेला भी कुछ नहीं, बहुत कड़वा होता है, और आप ले सकते हैं, आपने तो एक नया रास्ता हमें दिखाया, और फ़ायदा हो तो आप बताना हमें, हमें बहुत अच्छा लगेगा सिंह साहब अगर आपको फ़ायदा होगा। आप जैसे कामयाब लोगों को जब फ़ायदा होता है तो पूरी कौम यकीन करती है आप जैसे लोगों पर, उससे हमारा भी विश्वास बढ़ता है। जी राजधानी दिल्ली से एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, निधि जी ने हमें कॉल किया है, निधि जी प्रश्न कर सकती हैं आप। निधि जी आप हमें सुन पा रही हैं? निधि जी आप हमें सुन पा रही हैं? हेलो जी निधि जी प्रश्न करें। हाँ जी जी
मेरी मम्मी के लिए मुझे पूछना था कि उनको ना गैस और खट्टी अटकारे बहुत ज्यादा आती है, उनकी उम्र 50 साल है जी, और अपने भी पूछना था हार्मोनल इम्बेलेंस के लिए कौन सा उपचार लें, मेरी उम्र 26 साल है। ठीक है, पहले मम्मी का जवाब देंगे। अच्छा देखिए, मम्मी के लिए एक बड़ा अच्छा नुस्खा है, आपको याद नहीं रहे तो लिख लीजिए, है भी आसान, लेकिन 500 ग्राम मेथी का दाना लीजिए, 500 ग्राम मेथी, और 100 ग्राम लीजिए नमक आता है, जैतून का नमक कहते हैं, आसान लैंग्वेज में जैतून का नमक, इसे हिंदी में जैतून का रसायन और इंग्लिश में एस्टेक जैतून कहते हैं। ये नमक जैसा होता है देखने में, लेकिन नमकीन नहीं होता। ये 100 ग्राम लेकर मेथी के साथ पाउडर बनाएं घर पर, और आधा आधा चम्मच तीनों टाइम खाने के पहले दिया करें मम्मी को। और देखिए, याद रखें कि पहले दिन से ही फ़ायदा होने उन्हें लगेगा उन्हें, लेकिन आपको ये पूरा मटेरियल जो 600 ग्राम मैंने बताया ख़त्म कर लें, ताकि इस रोग से ही निजात मिल जाए, और आपके हार्मोनल जो इनबैलेंस है तो उसके लिए आंवला, मेथी, गौन, मोरिंगा, आंवला, मेथी, गौन, मोरिंगा। देखिए, आंवला 200 ग्राम, मेथी 200 ग्राम, गौन मोरिंगा 100 ग्राम। गौन मोरिंगा सफ़ेद लीजिए आप, सफ़ेद वाला यानी वाइट वाला, और इसको पाउडर बनाएं, और एक एक ग्राम तीनों वक्त खाने से पहले या खाने के बाद लें, और 5 बार गर्म पानी पिया करें, तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, शाहाना जी भी जुड़ गई हैं हमारे साथ, लखनऊ से हमें कॉल किया है। शाहाना जी, सवाल कर सकती हैं आप। हेलो शाहाना जी, सवाल करें। हेलो, सलाम। वालेकुम। तो हकीम साहब, मेरी पेट में बहुत सालों से दिक्कत है, और मेरे पेट में मतलब पहले डॉक्टर ने अल्सर बताया था, उसका काफी टाइम इलाज चला, फिर उसके बाद बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, तो आते सूख गई थी, उसका बहुत इलाज चला, फिर काफी ठीक हो गई मैं, लेकिन अभी भी मेरे 2-3 महीने से भी अचानक से पेट में दर्द उठ जाता है, और पूरी रात दर्द होता है जी। और मेरे जब तक की और हेलो जी जी, एज भी बता दीजिए अपनी। जी मैं मेरी एज है 26। ठीक है, हाँ, बहुत कम उम्र में आपको ही तकलीफ हो गई, और खाने पीने में वही चीज़ें खाया करें जो हजम हो जाए आसानी से। आपको पता हुआ कोई ना कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल से हजम होती है, तो वो चीज़ मुस्तरद कर दें। और अभी तो एक चीज़ आती है बेल का मुरब्बा, जो पत्थर बेल या बेल पत्थर कहते हैं, वो तो अभी 2 महीने बाद आएगी। बेल का मुरब्बा आता है, मुरब्बा बेल या बेल का मुरब्बा या कोवेट का मुरब्बा कहते हैं, इसको एक कतला रोजाना खाली पेट यानी निहार मुँह सुबह सुबह खा लिया करिए, 3-4 इंच का एक पीस, और रोज़ खाया करिए, ज़रूरत पड़े तो रात को भी खा सकते हैं। और जब बेल शुरू हो जाए पक्की हुई आनी, तो आधी बेल रोज़ाना खाया करें 2 वक्त में, और पानी खूब पिया करें। अंजीर अगर आपको ताज़ी मिल सकती है, अंजीर, तो रोज़ाना 2 अंजीर खाया करें। अगर ताज़ी नहीं मिले तो जो ड्राई फ्रूट में अंजीर आती है उसको दूध में उबाल कर खाया करें। ये सब घरेलू नुस्खे हैं, और कोई भी तेज़ मसालों की चीज़ ना खाया करें। और गौन मोरिंगा सफ़ेद अगर मिल जाए तो आधा ग्राम दूध में मिला के रोज पिया करें, आपको फायदा मुमकिन है। जी, राम प्रसाद जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उन्होंने कॉल किया है अलीगढ़ से। राम प्रसाद जी बताइए, किस तरह की परेशानी है आपके साथ? चलिए राम प्रसाद जी से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, और कार्यक्रम की शुरुआत में जैसा कि हमने आपको जानकारी दी कि किस तरह से आप पूरी तरह से फिट रह सकते हैं, इसके बारे में विस्तार से लगातार हकीम साहब से हम बातचीत कर रहे हैं। हकीम साहब, नींद की अगर बात की जाए, जिस तरह का लाइफस्टाइल हमारा हो चुका है, तो नींद हम पूरी नहीं ले पाते हैं,
कम से कम कितने घंटे सोना जरूरी होता है ताकि हम पूरी तरह से फिट रहें? देखिए, ज़्यादा उम्र वाले आदमी को 6 घंटे कम से कम नींद आनी चाहिए और जवान को 7 या 8 घंटे का समय नींद का चाहिए, गफलत की नींद चाहिए। ये नहीं कि पूरे दुनिया के ख्यालात अगर हम लेके सोते हैं तो ऐसे ही स्वप्न आते हैं और ऐसा लगता है कि हम सोए नहीं, तो नींद भी गफलत वाली आनी चाहिए। और ये सेहत की निशानियों में से एक है। आप यकीन करेंगे कि मैं कभी लेट नहीं सोता ना लेट उठता। जो आदमी जल्दी सोएगा वही जल्दी उठ सकता है। और मैं एक ऐसी जगह चला गया जहाँ मुझे 20-22 साल गुजारने पड़े और जिसे लोग रोशनी का शहर, हादसों का शहर और जाने कितने नाम हैं उसके, उसे महाराष्ट्र कहते हैं बम्बई। लेकिन मैंने वहाँ भी आदत नहीं बदली। वहाँ लोग फजर के वक्त सोते हैं जी, और मैंने अपना मामूल नहीं बदला। हम अपने आप में मजबूत हों और बहुत ख्वाहिशें कभी नहीं बढ़ाएं जी। ख्वाहिशें बढ़ाना भी नींद ना आने की वजह हो सकती है, डिप्रेशन की। अच्छी नींद लेना बेहद जरूरी होता है। बिल्कुल, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनकी परेशानी जान लेते हैं। संतोष जी ने हमें कॉल किया है हिसार से। संतोष जी, प्रश्न करें आप। हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। जी संतोष जी, आदाब। हाँ जी डॉक्टर साहब, ये पूछना था, मेरी बेटी है 9 साल की, तो उसका वजन जो बहुत ही बढ़ता जा रहा है, पेट अलग से ही दिखता है। खाना खाती है वो? हाँ जी। खाना खाती है बच्ची? हाँ जी, खाना खाती है डॉक्टर साहब। ठीक है ठीक है। अगर हाँ देखिए, उसको अगर ग्रोथ कर रही है तो दवा कुछ मत देना, अपने खाने में ही कुछ चेंजेस कर दिए जिससे फैट ना बढ़े। और एक तरीका फैट ना बढ़ने का ये भी है कि हम अपने खाने में अदरक काफ़ी इस्तेमाल करें, काफ़ी सारी और इतनी सारी, और लहसुन भी इतना इस्तेमाल करें। तो उसको थोड़ा वॉक वगैरह, स्पोर्ट्स में कुछ भागने दौड़ने का गेम खिलाइए, दवा से परहेज करना उसको, और गर्म पानी 5 बार पिलाइए, इससे ही उसका इलाज कराइए। 1 घंटा धूप में पैदल चलाइए, इससे इलाज करिए। दवा देने की गलती मत करना, अभी वो ग्रोथ कर रही है और उसको कोई नुकसान हो सकता है। जी, मंजू जी इस वक्त हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ गई हैं, उन्होंने हमें अलीगढ़ से कॉल किया है। मंजू जी बताइए, किस तरह की परेशानी है आपके साथ? अरे मेरी बेटी है जी, 24-25 वर्ष की जी, तो उसे जुकाम हो जाता है बहुत जल्दी जल्दी। क्या करना चाहिए उसके लिए? हाँ देखिए, जिन लोगों को भी जुकाम, खांसी, नज़ला, छींके, बलगम बार बार होता है, उनको इस वक्त में अपना बहुत ख्याल रखना है। एक तो 5 टाइम गर्म पानी पिलाइए, और बाहर की चीज़ें और खट्टी चीज़ें बिल्कुल बंद करा दें, ये तो एहतियात है। अच्छा, इसके लिए 2 नुस्खे मैं आपको बताता हूँ, एक दवा के रूप में, एक घरेलू नुस्खे के रूप में। घरेलू नुस्खा एक बड़ा कामयाब है, और उसमें क्या करना है कि लिसोड़ा, अलसी, मेथी, लिसोड़ा, अलसी, मेथी और उन्नाब, ये 100-100 ग्राम लें, और 30 ग्राम पीपलें जो आपके किचन के गरम मसालों में पाई जाती, पीपलें ऐसे लंबी लंबी होती हैं 1-1.5 इंच की, 30 ग्राम इसमें मिलाकर पाउडर बनाएं और 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम खिलाएं गरम पानी के साथ। ठंडा पानी बिल्कुल छोड़ दें, खट्टी चीज़ें बिल्कुल छोड़ दें, तो फ़ायदा देर में होगा लेकिन ये रोग जा सकता है। अगर इनकी पहचान नहीं है, झंझट में नहीं पड़ना चाहते या कोई और वजह है, या कुछ लोग दवा भी पूछते हैं, तो माजून आर केयर सुबह शाम 1-1 चम्मच खिलाया करें, इस बच्ची को फ़ायदा मुमकिन है।